ईश्वर के मुख से जन्मा विद्वान, बुझाओ से उभरा योद्धा। जबर जंग जाबाज हमारे पूर्वज, लेकिन समय की करवट ने हमारी काया पलट दी। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। उसके ऊपर चढ़कर उसकी खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। एक शेर की तरह है विशाल सेना के साथ है, उससे पहले ये काम करना होगा। वो पुल और दूसरे किले पर कब्जा कर चुके हैं। तुम्हारा रक्त हमारा रक्त अलग है क्या? उसका क्या आश्रय करना चाहिए? क्या उसे मार डालना चाहिए? दुष्ट ताकत भी लेकर आएगा, तुम आगे नहीं जा सकते। जा सकते एक शूरवीर योद्धा हुआ कंकुल में जन्मा, महाबली रंबन का उत्तराधिकारी, अकाल से भी प्रजा। कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। दस बूंदे गिरने से पहले कंगुआ को आना होगा, बुलाओ। किसी के आगे मैं रुकूंगा। We'll be right back.
सूर्या की एक्शन फिल्म कंगवा तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञान वेल राजा की फिल्म कंगवा ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे छपने के साथ मेकर्स ने कंगवा का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगवा के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगवा ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगवा का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगवा तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। इन सूर्या बॉबी और दिशा के अलावा कंगवा में जगपति बाबू नटी नटराजन के एस रवि कुमार और कोवई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगवा रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगवा में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगवा होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगवा एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले
कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज़ का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके, लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए। कपिलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुआ यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज़्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी और योगी बाबू भी होंगे। एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यीशु शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम की रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे।
जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मास में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। विक्ट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुम्मुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे थे और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूर्या इस फिल्म में तैयार अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पठानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआती। पठानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू रेडिन किंग्सले कोवई शर्ला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि के एस रवि कुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता VS अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रत्यक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्थी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है, जहां प्रशंसक दावा करते हैं कि यह कार्थी है। अन्नाते में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मारन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6-पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की।
जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। क्या एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को समवर्ती कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूबाई लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन के लिए शूटिंग, अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए EVP फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई, जिसे प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडई कनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडई कनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए EVP फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई। पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई। 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल समानांतर रूप से हो रहा है। साउंड ट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है, जो मायावी, आरू सिंगम और सिंगम सिकन के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ 2रा है। फिल्म के संगीत अधिकार सारे गामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मणिपुर 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में AMB सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या और शिवा देवताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे,
पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3000 से 3500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। ये फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकार केवीएन प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज बुकिंग या यो 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल अधिकार 80 करोड़ में बेचे गए। हिंदी सेटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपये में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवील राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है, या तो जनवरियों में या गर्मियों की छुट्टियों में। सूर्या की एक्शन फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवील राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे चमकने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगुआ तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है, और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। इन सूर्या, बॉबी और दिशा के अलावा कंगुआ में जगपति बाबू, नटी नटराजन, KS रविकुमार और कोई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुआ रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगुआ में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगुआ होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगुआ एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है, और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगुआ की कहानी S. वेंकटेशन की किताब विलपरी पर बेस्ड है।
सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुर में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज़ का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके, लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुआ यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है। साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला निशामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं।
लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम के रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के कई ज्ञानमेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि शिवा अनाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अनाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्टि की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुमुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूर्या इस फिल्म में तैयार अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पटानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। पटानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू रेडिन किंग्सले कोवई शरला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि KS रविकुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता VS अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्थी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है,
जहाँ प्रशंसक दावा करते हैं कि अकार्थी है। अन्नाते में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में स्टूडियो द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मारन की वादिवाशल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था जहाँ अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहाँ शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6-पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। यह एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई की ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को शमवर्ती कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूरा लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन के लिए शूटिंग, अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए ईवीपी फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई, जिसे प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडाईकनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडाईकनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए ईवीपी फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई, पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई। 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल समानांतर रूप से हो रहा है। साउंडट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है, जो मायावी, आरू सिंगम और सिंगम सेकंड के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ 2रा है।
फिल्म के संगीत अधिकार सारेगामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मनीपु 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में AMB सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या और शिवाजी नेताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3000 से 3500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। ये फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिया। कर्नाटक नाट्य अधिकार KVN प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज बुकिंग या यो 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल अधिकार 80 करोड़ में बेचे गए। हिंदी सेटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपये में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवीर राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है, या तो जनवरी में या गर्मियों की छुट्टियों में। सूर्या की एक्शन फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवील राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे चमकने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगुआ तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म
दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। सूर्या, बॉबी और दिशा के अलावा कंगवा में जगपति बाबू, नटी नटराजन, के एस रवि कुमार और कोवई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगवा रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले एक साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगवा में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगवा होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगवा एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके, लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगवा यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है।
तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्य का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज़्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी और योगी बाबू भी होंगे। कंगुआ एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यीशु शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम के रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मास में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अगरम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुम्मुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे थे और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा।
सूर्या इस फिल्म में 13 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पठानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआती पठानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू रेडिन किंग्सले कोवई शर्ला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि के एस रवि कुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता वी एस अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्थी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है, जहां प्रशंसक दावा करते हैं कि यह कार्थी है। अन्नाते में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मारन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6-पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। क्या एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई की ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को समवर्ती कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूरा लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन
के लिए शूटिंग अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए EVP फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई। इसे प्रेम रचित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडाईकनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडाईकनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए EVP फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई। पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई। 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल समानांतर रूप से हो रहा है। साउंड ट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है, जो मायावी आरु सिंगम और सिंगम सिकन के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ 2रा है। फिल्म के संगीत अधिकार सारे गामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मनीपू 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में AMB सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या और शिवा देवताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3000 से 3500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। AA फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकार KVN प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज
बुकिंग या यो 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल 80 करोड़ में बेचे गए, हिंदी सैटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपए में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवील राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है, या तो जनवरी में या गर्मियों की छुट्टियों में। सूर्या की एक्शन फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवील राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे छपने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगुआ तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है, और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। इन सूर्या, बॉबी और दिशा के अलावा कंगुआ में जगपति बाबू, नटी नटराजन, के एस रवि कुमार और कोवई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुआ रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगुआ में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगुआ होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगुआ एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है, और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगुआ की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे।
कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु, इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल चेर पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज़ का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगवा यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगवा को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज़्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगवा में दिशा पटानी और योगी बाबू भी होंगे। कंगवा एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंदराज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यीशु शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगवा अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम की रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे
नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि शिवा अनाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अनाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मास में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुम्मुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे थे और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूर्या इस फिल्म में तैयार अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पठानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआती। पठानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू रेडिन किंग्सले कोवई शर्ला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि KS रविकुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता VS अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्तिक फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है, जहां प्रशंसक दावा करते हैं कि यह कार्थी है। अनाथे में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मारन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया।
अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर दो समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने सिक्स पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। क्या एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को समवर्ती कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूरा लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन के लिए शूटिंग, अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए ईवीपी फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई, जिसे प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडई कनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडई कनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए ईवीपी फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई, पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई। 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल्स समानांतर रूप से हो रहा है। साउंड ट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है, जो मायावी, आरू सिंगम और सिंगम सिकन के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ 2रा है। फिल्म के संगीत अधिकार सारे गामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मनीपू 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्यरात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में
एएमबी सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्य और शिवाजी योद्धाओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2,500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3,000 से 3,500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। ये फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकार केवीएन प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज बुकिंग या यो 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल का 80 करोड़ में बेचे गए। हिंदी सेटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपये में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवीर राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है, या तो जनवरी में या गर्मियों की छुट्टियों में। सूर्य की एक्शन फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवीर राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे छपने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगुआ तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। सूर्या, बॉबी और दिशा के अलावा कंगुआ में जगपति बाबू, नटी नटराजन, के एस रवि कुमार और कोवई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुआ रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगुआ में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है।
रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगुआ होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगुआ एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगुआ की कहानी एस वेंकटेशन की किताब विलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के तीन साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके, लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उसे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुआ यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी और योगी बाबू एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है।
साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यीशु शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम के रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानमेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मास में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुमुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूर्या इस फिल्म में तैयार अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पठानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआती पठानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, कोवई सरला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि के एस रवि कुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता VS अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था।
और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्थी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है, जहां प्रशंसक दावा करते हैं कि यह कार्थी है। और नाते में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मालन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6-पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। यह एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को समवर्ति कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूरा लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन के लिए शूटिंग, अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए ईवीपी फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई, जिसे प्रेम रचित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडाईकनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडाईकनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए ईवीपी फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई। पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई।
14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल्स समानांतर रूप से हो रहा है। साउंड ट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है जो मायावी आरु सिंगम और सिंगम सिकन के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ दूसरा है। फिल्म के संगीत अधिकार सारे गामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मनीपु 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में एएमबी सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या और शिवा देवताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था जिसमें तेलुगु मलयालम कन्नड़ हिंदी अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा जिसमें फ्रेंच स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3000 से 3500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। ये फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिया। कर्नाटक नाट्य अधिकार केवीएन प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज बुकिंग या यू 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल अधिकार 80 करोड़ में बेचे गए। हिंदी सेटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपये में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवीर राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है या तो जनवरी में या दरमियान। कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवीर राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे छपने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं
और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बॉबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगवा तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कंटेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 350 करोड़ रुपए से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। इन सूर्या, बॉबी और दिशा के अलावा कंगवा में जगपति बाबू, नटी नटराजन, KS रविकुमार और कोवई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगवा रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में, दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगवा में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगवा होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगवा एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगवा की कहानी S. वेंकटेशन की किताब विलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बु नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बु पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुर में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बु में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके, लेकिन जब इन्हीं पारी का राज गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने
लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उसे नहीं जीत सकते। वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगवा यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगवा को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगवा अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम के रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जुड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर को स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगवा के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुमुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है
और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे थे और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। सूर्या इस फिल्म में तैयार अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले आयान में उन्हें 10 अलग अलग लुकों में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अबाडी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो से संदर्भ लिए। अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। अगस्त 2022 में दिशा पठानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआती पठानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। योगी बाबू रेडिन किंग्सले कोवई शर्ला और आनंद राज को कथित तौर पर सहायक भूमिका निभाने के लिए अगस्त में लिया गया था। उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जबकि के एस रवि कुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। कन्नड़ अभिनेता वी एस अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जुलाई 2023 के अंत में बाबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि उन्हें तमिल में धारा प्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयर पीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टम मेड कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना था। जुलाई 2024 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि कार्थी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म के ट्रेलर के अंत में एक धुंधला दृश्य एक आदिवासी व्यक्ति को घोड़े पर बैठे हुए सूर्या के पास आता हुआ दिखता है, जहां प्रशंसक दावा करते हैं कि यह कार्थी है। अन्नाते में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वर्णांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वित्री मालन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। पठानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गई। बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टन सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। इस शेड्यूल के दौरान सेट से तैयार तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दीपावली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैक स्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6-पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर चेन्नई में शुरू हुआ, जैसा कि रिपोर्ट किया गया। इस शेड्यूल में पठानी और योगी बाबू शामिल थे। कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। यह एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया, जिससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 10 फरवरी को समवर्ती कार्यक्रम चेन्नई में फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा LF कैमरा वर्जन लाए। गंगूरा लियो के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 10 दिनों के ब्रेक के बाद 19 अप्रैल के केरल में एक दिन
के लिए शूटिंग अगले दिन कोडाई करनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए EVP फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर हुआ। उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई। इसे प्रेम रचित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया। चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडाईकनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। कोडाईकनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए EVP फिल्म सिटी लौट आई। 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई। पूरा हो गया। नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी, जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल हैं, जो एक साथ प्रगति कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई। 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू उनके काम के लिए सराहा। यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग प्री विजुअल्स समानांतर रूप से हो रहा है। साउंड ट्रैक और फिल्म का स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है, जो मायावी आरु सिंगम और सिंगम सिकन के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग है और वीरम के बाद शिवा के साथ 2रा है। फिल्म के संगीत अधिकार सारे गामा ने खरीदे थे। पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। आइडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। शुरुआत में बताया गया था कि आइडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। तीसरा एकल थलाई वानो 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। चौथा एकल मनीपू 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 23 जुलाई 2023 को मध्यरात्रि को जारी किए गए एक आवधिक भागों में सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 14 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। टीजर को दर्शकों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरे में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिल्म टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फुट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 24 अक्टूबर को हैदराबाद में AMB सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या और शिवा देवताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना है था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवीर राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे पर महत्वाकांक्षी थे। बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के CEO जी धनंजय के आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत में 2500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3000 से 3500 स्क्रीन शामिल थी। तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, जबकि केरल में थिएटर में प्रीमियम के लिए 500 अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अविनेश एलांगोवन की अभी अंडी अम्बी इंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल किया है। AA फिल्म को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट वितरण भागीदारी के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिया। कर्नाटक नाट्य अधिकार KVN प्रोडक्शन को बेचे गए। बताया गया है कि गंगुआ ने डिजिटल ऑडियो सेटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 करोड़ से अधिक की प्री रिलीज
बुकिंग या यो 2023 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसने कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए किया था। फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल का 80 करोड़ में बेचे गए, हिंदी सेटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए में बेचे गए। तेलुगु भाषा क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 25 से 30 करोड़ रुपए में बीच थे। केरल के नाट्य अधिकार 10 करोड़ में बेचे गए। फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 करोड़ में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ कीमत है। फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। जुलाई 2024 में ज्ञानवेल राजा ने कहा कि कंगुआ की अगली कड़ी 2027 की पहली छमाही में रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है। या तो एक्शन फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसे पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया जाएगा। शिवा के डायरेक्शन में बनी और स्टूडियो ग्रीन के ज्ञानवेल राजा की फिल्म कंगुआ ने अपने हर अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ाया है। अब कई लोगों के मन में उम्मीद के अंगारे चमकने के साथ मेकर्स ने कंगुआ का ट्रेलर रिलीज करके बहार ला दी है, जो दिशा पटानी और बाबी देओल की तमिल में एंट्री को भी दिखाती है। फिल्म के पहले लुक से लेकर कंगुआ के पीरियड के हिस्सों को दिखाने वाली झलक, जिसमें सूर्या को एक कबीले के योद्धा के रूप में दिखाया गया है, फिल्म को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद के फायर सॉन्ग में एक ब्लॉकबस्टर गाने के साथ कंगुआ ट्रेलर और भी ज़्यादा जबरदस्त बन गया है। तमिल में कंगुआ का अर्थ है आग और ट्रेलर बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है। एक जंगल की कहानी शुरू होती है जो दो लोगों के बीच में चलती है। यह दिलचस्प है कि कैसे मेकर्स अभी भी स्टाइलिश सूर्या को उनके इस अवतार में ला पाए हैं और पूरी तरह से उन पर ही फिल्म बेस्ड लगती है। ट्रेलर में बाबी देओल पूरी तरह से सूर्या पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी खून भरी आंखों को देखकर कोई भी कांप सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो कंगुआ तमिल सिनेमा की अगली बड़ी फिल्म हो सकती है और इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक सफलता बनने के लिए सभी कॉन्टेंट मौजूद हैं। कथित तौर पर 385 करोड़ रुपये से अधिक से बजट में बनी ये बड़े बजट की फिल्म दशहरा रिलीज के लिए तैयार हो रही थी। इन सूर्या बॉबी और दिशा के अलावा कंगुआ में जगपति बाबू नटी नटराजन के एस रवि कुमार और कोई सरला भी हैं। यह फिल्म लगभग 2 दर्जन भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने की उम्मीद है। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुआ रखा गया है। फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश भी उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार दोनों हाथों में दुश्मनों का खून पीने का तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बास, भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े योद्धा के रूप में सूर्या का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। कंगुआ में सूर्या का लुक सूर्या 42 को अब टाइटल मिल गया है। रविवार को मेकर्स ने एक और शानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया था कि फिल्म का नाम कंगुआ होगा। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगुआ एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीरता की गाथा है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन था जिसकी वीरता को फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है और ये जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए ये नाम एकदम सही है। कंगुआ की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राज्यों में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे।
कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज्य कब्जा कर लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांव के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराण नुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जन जीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल चेर पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराण नुरु में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज्य बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिला रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने वाले गए। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक हिस्से का जिक्र पुराण नुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज़ का सहारा न मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो दूध बनकर गए कबीलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों 3 बड़े साम्राज्यों के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुआ यानी सूर्या की 42 फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद पारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो अब फिल्म आने पर ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिवील करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिवा की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में 14 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्मों से भी 3 गुना ज़्यादा है। फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी और योगी बाबू भी होंगे। कंगुआ एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य फंटासी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, साथ ही बाबी देवल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, नटराजन सुब्रमण्यम, कोवार सरला, आनंद राज और के एस रवि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप में अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी और अभिनेता और निर्देशक की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल, कोडाईकनाल और राजमंदूरी में हुई। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेट्री पला, निशामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 को मानक और 3D प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शिवा की विश्वासम की रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के स्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले केज कैनवेल राजा द्वारा वित्त पोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोराराई पोटरू के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। मई के दौरान
नयनतारा सूर्या के साथ जोड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला था, जिसे बाद में अन्नाथे नाम दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर सूर्या सहमत हो गए। बाद में फिल्मांकन की तारीख 3 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम बन गई। शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वो सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्ट की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र और रवि बसरूर को डी इमान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे स्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर क्वेश्चन कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लूमाला प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुआ के रूप में घोषित किया गया था। अप्रैल के अंत में कुमुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजय, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि